दोस्तों आज मैं आपसे यूरोप में बसी हुई एक बेहद ही ज़्यादा शानदार और बेहद ही ज़्यादा कमाल की कंट्री लिथुएनिया के बारे में बात करूंगा, जिसको दोस्तों पूरी दुनिया इसके ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ लिथुएनिया के नाम से जानती है। यहाँ की दोस्तों कैपिटल सिटी और यहाँ की सबसे बड़ी सिटी है विल्नुइस। तो वहीं दोस्तों यहाँ पर बोली जाने वाली ऑफिशियल लैंग्वेज है लिथुएनियन, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ के लोगों के द्वारा कुछ रीजनल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जो कि हैं दोस्तों पॉलिश और रशियन। लिथुएनिया में दोस्तों आपको नॉर्मली दो धर्म के लोग ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन्हीं दो धर्मों के द्वारा पूरी कंट्री डोमिनेट की जाती है, और ये धर्म है दोस्तों क्रिश्चियन और कैथोलिक। बेहद ही ज़्यादा कमाल का लगने वाला ये देश दोस्तों कुल मिलाकर फैला है 65,300 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, और एरिया के हिसाब से ये पूरी दुनिया की 121वीं सबसे बड़ी कंट्री है। वहीं दोस्तों इसके टोटल एरिया का 1.35% हिस्सा है सिर्फ पानी। 2020 के अनुसार लिथुएनिया की दोस्तों टोटल पॉपुलेशन 27,98,000 को पार कर चुकी है, और पॉपुलेशन के हिसाब से ये पूरी दुनिया का 140वां सबसे बड़ा देश भी है। वहीं दोस्तों अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में देखने को मिलेंगे सिर्फ 43 लोग, यानी भीड़ भाड़ तो दोस्तों इस देश में आपको बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हुए अगर हम HDI के स्कोर की बात करें तो लिथुएनिया का HDI का स्कोर है 0.869, और इस तरीके से दोस्तों ये कंट्री आती है वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स में, और पूरे वर्ल्ड में दोस्तों लिथुएनिया का HDI का रैंक आता है नंबर 34 का। इसके अलावा यहाँ पर चलने वाली करेंसी है यूरो, और यहाँ का एक यूरो इंडिया के 88 रुपये के बराबर है। वहीं दोस्तों लिथुएनिया में ड्राइविंग साइड है राइट, और यहाँ का कॉलिंग कोड है +370। तो चलिए यार देर किस बात की, ये तो थी अभी तक सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन, लेकिन असली मज़ा आगे आने वाला है। तो जानते हैं इस देश को बेहद ही अंदर से और बेहद ही करीब से, अभी से कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न तैयार रखो। एक समय पर दोस्तों हिस्ट्री में इस देश के ऊपर रूस और जर्मनी का कब्जा हुआ करता था, यही वजह है कि यहाँ पर इन दोनों ही कंट्री के कल्चर का प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आखिरकार 11 मार्च और 1990 को दोस्तों ये देश रूस और जर्मनी से आजाद हुआ। हिस्ट्री में दोस्तों हालांकि एक ऐसा भी समय हुआ करता था जब लिथुएनिया पूरे यूरोप का सबसे बड़ा देश हुआ करता था पॉपुलेशन के हिसाब से। ये बात है दोस्तों 14वीं शताब्दी की, जब ये पूरे यूरोप का सबसे बड़ा देश था। पॉपुलेशन दोस्तों उस समय इसकी ज़्यादा थी ही, लेकिन साथ ही इसका एरिया भी बहुत ज़्यादा था। आधुनिक बेलारूस और यूक्रेन के साथ साथ पोलैंड और रूस के कई हिस्से उस समय लिथुएनिया के ही भाग हुआ करते थे, यानी एरिया भी दोस्तों उस समय इसका यार बेहद ही विशाल था। इस देश की सीमाएं उत्तर में लातविया, पूर्व और दक्षिण में बेलारूस, दक्षिण में पोलैंड और दक्षिण पश्चिम में कैलिनिंग्राद ओब्लास्ट के साथ लगती हैं। लिथुएनिया ने दोस्तों 6 सितंबर 1991 में सोवियत संघ से पूरी तरह से स्वतंत्रता हासिल की थी, और उसी दिन के बाद इस देश की तरक्की की गाड़ी चलनी शुरू हुई। इसके बाद जैसे जैसे दोस्तों ये देश डेवलपमेंट के मामले में आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे ही 2004 के साल में इसे यूरोपियन संघ का सदस्य भी बना दिया गया। लिथुएनिया पूरे यूरोप का ऐसा वो आखिरी देश है जो धर्म के तौर पर ईसाई धर्म में परिवर्तित हुआ। ये पूरी दुनिया का दोस्तों एकमात्र ऐसा देश है जहां पर इसकी अपनी आधिकारिक खुशबू है, जिसे लिथुएनियन की सुगंध भी कहा जाता है। लिथुएनिया में स्थित विल्नुस विद्यालय पूर्वी यूरोप में पहला विद्यालय था, यानी दोस्तों स्टडी का काम यूरोप में इसी से शुरू हुआ था। बात अगर लिटरेसी रेट की करें तो यहाँ की लिटरेसी रेट लगभग 99.82% है, यानी ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज की तरह ही यहाँ की लिटरेसी रेट काफ़ी हाई है। वहीं दोस्तों यहाँ की गवर्नमेंट अपनी टोटल GDP का लगभग 2.50% हिस्सा एजुकेशन के काम पर खर्च करती है। ये थोड़ा और बेटर हो सकता है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में दोस्तों इतना ही काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तो यहाँ की नहीं है। वहीं बात अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेटिंग की करें तो यहाँ पर बेरोजगारी की समस्या आपको देखने को मिलेगी 6.4%, यानी हर 100 लोगों के पीछे 7 लोग लिथुएनिया में यार पूरी तरह से बेरोजगार हैं। आगे बढ़ते हुए दोस्तों अगर हम पॉवर्टी रेटिंग की तरफ एक नज़र मारें तो इसमें
इस देश की हालत कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों लिथुएनिया में पॉवर्टी रेटिंग है लगभग 22.94%, बहुत ही ज़्यादा हाई है। यानी हर 100 लोगों के मुकाबले दोस्तों यहाँ पर पॉवर्टी की समस्या देखने को मिलेगी, गरीबी की समस्या देखने को मिलेगी 23 लोगों में, जिसकी बड़ी वजह है कि दोस्तों ये देश बाकी यूरोप के देशों की तरह ही बेहद महंगा है, लेकिन कमाई में उनसे ये काफ़ी पछड़ जाता है। वहीं अगर इस बेहद ही कमाल देश की दोस्तों नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो वो क्रॉस कर चुकी है 53 बिलियन US डॉलर को। यहाँ की 68% जीडीपी सर्विसेज के काम से, 28% जीडीपी इंडस्ट्रियल एरिया से और लगभग 4% जीडीपी एग्रीकल्चर के काम से आती है। वहीं दोस्तों आगे बढ़ते हुए अगर थोड़ी बात एक्सपोर्ट की करें तो यहाँ का ईयरली एवरेज एक्सपोर्ट होता है लगभग 29 बिलियन US डॉलर का। एक्सपोर्ट में इसके जो मेन पार्टनर्स हैं वो है रशिया, लातविया, पोलैंड, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, इस्तोनिया और स्वीडन है। वहीं दोस्तों ये ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट में सामान बेचता है वो है रिफाइंड फ्यूल, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, फूड स्टफ्स और प्लास्टिक्स। वहीं ये देश दोस्तों हर साल तकरीबन 32 बिलियन US डॉलर के सामान को अपने देश में इम्पोर्ट भी करवाता है। और इम्पोर्ट में दोस्तों जो इसके मेन पार्टनर्स हैं वो है रशिया, जर्मनी, पोलैंड, लातविया, इटली, नीदरलैंड, स्वीडन। वहीं इम्पोर्ट में जो मेन सामान दोस्तों ये मंगवाता है वो है ऑयल, नेचुरल गैस, मशीनरी एंड इक्विपमेंट, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, केमिकल्स, टेक्सटाइल्स, क्लोथिंग और मेटल। इंडिया में तो जैसे हमारे यहाँ क्रिकेट सबसे ज़्यादा पॉपुलर खेल है और क्रिकेट के लोग दीवाने हैं, लेकिन यहाँ के लोग दोस्तों जिस चीज़ के दीवाने हैं वो है बास्केटबॉल। लिथुएनियन लैंग्वेज दोस्तों पूरी दुनिया की सबसे पुरानी लैंग्वेज इसमें से एक मानी जाती है। ये लैंग्वेज दोस्तों असल में इंडो यूरोपियन युग से लगातार अब तक चलती आ रही है। लिथुएनिया को दोस्तों पूरी दुनिया के उनगिने चुने देशों में शामिल किया जाता है, जहाँ की लड़कियाँ यार पूरी दुनिया में बेहद ही ज़्यादा लंबे कद की होती हैं। यहाँ की लड़कियाँ दोस्तों दुनिया की ज़्यादातर लड़कियों के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा टॉल हैं। लिथुएनिया दोस्तों एक ऐसा देश है जहाँ पर लगभग 100% घरों में आपको इंटरनेट की पूरी सुविधा देखने को मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ था, यहाँ पर लिथुएनिया के लगभग 53% लोगों का ये कहना था कि ईश्वर दुनिया में मौजूद ही नहीं है और उन्हें ईश्वर पर बिल्कुल बिलीव नहीं है। तो आपका दोस्तों इस बेहद ही कमाल की कंट्री के बारे में यार क्या कहना है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी वीडियोस आपके लिए डेली आएंगी तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।